हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। इस वीडियो में 21 दिसंबर 2018 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। इसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस सहित कई न्यूज़पेपर और पीआईबी रिपोर्ट से तैयार किया गया है। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। आप लाइक करना मत भूलिएगा इस वीडियो को। क्वेश्चन होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेरिका में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? भारत सरकार ने अभी नियुक्त किया है नया राजदूत। इसका आंसर है हर्षवर्धन। वो इससे पहले बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त थे, वो नवतेज सरना की जगह लेंगे। भारतीय विदेश सेवा यानी आईएफएस के 1984 बैच के अधिकारी हैं। इम्पोर्टेंट बात थी, जो भी राजदूत होते हैं उनको लेकर क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, अभी कई सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो इम्पोर्टेंट सवाल था ये। अगला क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नया कोच किसे नियुक्त किया है? आंसर होगा इसका WV रमन। देखिए, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI, उसने 53 वर्ष के रमन के नाम पर 20 दिसंबर को मुहर लगा दी है। कल ही लगाई है मुहर। वो तमिलनाडु और बंगाल जैसी बड़ी रणजी ट्रॉफी टीम के कोच भी रह चुके हैं और भारत के अंडर 19 टीम के साथ भी काम कर चुके हैं वो। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग ने किस नाम से राष्ट्रीय कार्यनीति बनाई है जिसमें 2022-23 के लिए स्पष्ट उद्देश्यों को परिभाषित किया गया है? इसका आंसर होगा स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया एट 75। इसे केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जारी किया है, फाइनेंस मिनिस्टर ने। देखिए, भारत को $4 खरब की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए ये दस्तावेज बना है। अच्छा, इसमें नीति आयोग ने सिविल सर्विसेज के जो अभ्यर्थी हैं, जो कैंडिडेट हैं, उनकी अधिकतम आयु कम करने की सिफारिश की गई है। आप सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट बात है, जो सिफारिश है आयोग ने ये कहा है, यानी नीति आयोग ने, कि सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स में जो UPSC के एग्ज़ाम्स होते हैं और स्टेट के भी जो भी सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स होते हैं, उनके सामान्य वर्ग के जो कैंडिडेट हैं उनकी जो वर्तमान आयु है अभी 32 वर्ष है, उसको घटाकर 27 साल कर दिया जाना चाहिए। अगर सरकार इस सुझाव को मानती है तो बहुत बड़ा वर्ग ऐसा होगा जो UPSC के एग्ज़ाम से छट जाएगा आने वाले सालों में। हालांकि तुरंत घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिफारिश में ये कहा गया है कि इसे 2022-23 तक लागू किया जाना चाहिए, मतलब अगले कुछ साल में। सभी सेवाओं यानी जो भी सर्विसेज हैं उसकी रिक्रूटमेंट के लिए सेंट्रल टैलेंट पूल बनाए जाने का सुझाव दिया गया है। इसे होगा ये कि कैंडिडेट को उनकी क्षमता के अनुसार विभिन्न सेवाओं में लगाया जाएगा। देखिए, इस वक्त जो है वो केंद्र और राज्य सरकार के स्तर पर 60 से ज़्यादा अलग अलग तरह की सिविल सर्विस होते हैं, तो उसको एक साथ कंबाइन करने की योजना है। ये सुझाव है नीति आयोग का। नीति आयोग ने निचली न्यायपालिका में जो जज की भर्ती है उसके लिए राष्ट्रीय परीक्षा का भी प्रस्ताव रखा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग एग्जामिनेशंस हो रहे हैं। जिस तरह से UPSC का एग्ज़ाम्स होता है सिविल सर्विस के लिए, इसी तरह से जजों की नियुक्ति के लिए यानी निचली अदालतों के जजों की नियुक्ति के लिए भी राष्ट्रीय परीक्षा की जाए। इस रिपोर्ट में इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन है कि राष्ट्रीय आय में आयकर के भाग को यानी इनकम टैक्स के भाग को जो अभी 17% है उसको बढ़ाकर 22% किया जाए, ऐसा सुझाव दिया गया है। हवाई अड्डे और महत्वपूर्ण जो रेलवे स्टेशन हैं उन सबका निजीकरण किया जाना चाहिए। भारतमाला परियोजना और उत्तर पूर्वी भारत में जो परियोजनाएं चल रही हैं, जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनको जल्दी पूरा किया जाए। भारत की 2.5 लाख पंचायतों को भारत नेट कार्यक्रम के द्वारा डिजिटली कनेक्ट किया जाना चाहिए और 2022-23 तक सभी ग्राम पंचायतों को सरकारी सेवाओं के डिजिटल रूप से उपलब्ध कराया जाना चाहिए। जो वस्तु और सेवा निर्यात है उसको वित्त वर्ष 2018 में $478 अरब से बढ़ाकर, यानी 2018 में ये है $478 अरब, तो इसको बढ़ाकर 2023 तक $800 अरब पहुंचाया जाना चाहिए, ये एक टारगेट बनाया गया है, ये बताया गया है। ये मैं डिटेल बता रहा हूँ क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है, तो ये सब जानना आपके लिए ज़रूरी है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइए, आपके करंट अफेयर्स का भी टेस्ट हो जाएगा। दो तीन चीज़ें आप बताइए, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, नीति आयोग के CEO कौन है, ओके,
आप कमेंट बॉक्स में अभी लिखिए। हाँ, एक और बात बता दूं कि ये जो भी मैं बता रहा हूँ डिटेल, उन सबको आप डाउनलोड कर सकते हैं। PDF मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तीन तरह के डिटेल भी है, नोट्स भी है और वन लाइनर भी है। अगले क्वेश्चन को लेते हैं। किस वैश्विक संस्था द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि 137 देशों की सूची में भारत भरोसेमंद बिजली आपूर्ति के लिए 80वें स्थान पर है? तो इसका आंसर होगा वर्ल्ड बैंक। देखिए, वर्ल्ड बैंक ने ये रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट का नाम है इन द डार्क, हाउ मच डू पावर सेक्टर डिस्टॉर्शन कॉस्ट साउथ एशिया। ये नाम आप ध्यान रखना, नोट कर लेना आप। देखिए, बिजली वितरण में जो बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके पिछले कुछ साल में काफ़ी प्रगति हुई है, वर्ल्ड बैंक ने ये कहा है, लेकिन भारत अभी भी बिजली की जो बढ़ती मांग है उसको पूरा करने की चुनौतियों का सामना कर रहा है और भरोसेमंद बिजली आपूर्ति अभी भी कम है। इस रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के हवाले से ये भी कहा गया है कि भारत में बिजली की जो मांग है वो 2018 से 2040 के बीच लगभग 3 गुनी हो जाएगी, यानी 2040 तक 3 गुनी बिजली हम लोग खपत करेंगे, हमारी ज़रूरत होगी। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट के अनुसार 2015 में कोयला आधारित ऊर्जा संयंत्रों से होने वाले वायु प्रदूषण के कारण भारत में 82,900 लोगों की मौत हुई है। ये भी इम्पॉर्टेंट आंकड़ा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पूर्व भारतीय कप्तान अनूप कुमार ने संन्यास लेने की घोषणा की है, तो वो किस खेल से जुड़े हैं? इसका आंसर होगा कबड्डी। देखिए, अनूप कुमार ने अपने 15 साल के करियर का अंत लेते हुए ये संन्यास की घोषणा कर दी है। वो एशियाई खेल 2014 में भारतीय टीम के कप्तान भी थे और उनकी अगुवाई में भारत ने वर्ष 2016 में वर्ल्ड कप भी जीता था। उन्हें वर्ष 2012 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने 18 दिसंबर 2018 को नई बाल सुरक्षा नीति का ड्राफ्ट जारी किया है? अभी ये ड्राफ्ट है, नीति बाद में जारी होगी। तो इसका आंसर होगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। देखिए, इसके तहत किसी बच्चे पर किसी भी दुर्व्यवहार की शिकायत हेल्पलाइन नंबर 1098 पर पुलिस या बाल कल्याण समिति को की जा सकती है। तो इस मंत्रालय के, यानी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन है, ये आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। ये आपका टेस्ट भी हो जाएगा। अगर नहीं भी पता है तो आप देखिए, गूगल करिए। आप जब भी गूगल करेंगे तो इससे आपका रिन्यूअल हो जाएगा, जो ज्ञान है, इन्फॉर्मेशन है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल यानी नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट NCI किस जगह पर स्थापित किया गया है? देखिए, इसे संचालित किया जा रहा है, शुरू हो चुका है, हालांकि उद्घाटन अभी नहीं हुआ है फॉर्मल रूप से। इसका आंसर है झज्जर, ये हरियाणा में है। देखिए, औपचारिक उद्घाटन तो जनवरी 2019 में होगा, लेकिन इसका संचालन अभी से शुरू हो चुका है। वो एम्स न्यू दिल्ली के तहत एक परियोजना है। देश में कैंसर से संबंधित सभी गतिविधियों के लिए नोडल सेंटर होगा देश भर का, और ये देश के किसी भी अन्य जो कैंसर संस्थान हैं उनसे जुड़ा रहेगा, और इसकी जो अध्यक्षता करेंगे GK रथ, जो एम्स में रोटरी कैंसर अस्पताल संस्थान के चीफ हैं। तो ये नाम भी आप ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड यानी CBIC का चेयरमैन किसे बनाया गया है? इसका आंसर है प्रणव कुमार दास। देखिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, ये फुल फॉर्म है इंग्लिश में CBIC का। तो वो 1983 बैच के सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क कैडर के IRS अधिकारी हैं और उन्हें 2017 में केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड यानी CBEC में सदस्य नियुक्त किया गया था। आगे बढ़ते हैं, जिबूती गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा अशोक कुमार, वो वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं। अगला क्वेश्चन भी नियुक्ति से रिलेटेड ही है, मंगोलिया के लिए भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा मोहिंदर प्रताप सिंह, वो इस वक्त विदेश मंत्रालय के मुख्यालय में निदेशक हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा ने 20 दिसंबर 2018 को उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018
यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल पास कर दिया, तो ये किस कानून की जगह लेगा, पुराना कौन सा कानून है? तो इसका आंसर है उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986। ये जो बिल है उसमें कुछ चेंज किया गया है पुराने कानून की तुलना में। इसका उद्देश्य है नए जो बिल का भ्रामक विज्ञापनों, डिजिटल लेन देन और ई कॉमर्स से जुड़ी जो समस्याएं हैं उनको बेहतर रूप से दूर करना, उपभोक्ताओं के हित की रक्षा करना। देखिए पहले जो उपभोक्ता थे, कंज्यूमर थे, वो वहीं जाकर शिकायत कर पाते थे जहाँ से उन्होंने सामान को ख़रीदा है, लेकिन अब घर से ही शिकायत की जा सकेगी। इसके अलावा विधेयक में मध्यस्थता का भी प्रावधान रखा गया है कि अगर मध्यस्थता करना चाहती है कंपनी तो भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार ने मेट्रो फेज 4 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है जिसके तहत कुल 103.93 किलोमीटर में कितने नए कॉरिडोर तैयार किए जाएंगे, कितने नए कॉरिडोर? तो इसका आंसर होगा 6 कॉरिडोर बनेंगे टोटल। आगे बढ़ते हैं, किस दिन प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 20 दिसंबर, कल ही मनाया गया है। और इस डे के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 22 दिसंबर 2005 को प्रस्ताव पारित किया था और उसी के बाद ये 20 दिसंबर को हर साल जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ ने किसे विश्व चैंपियन के खिताब से सम्मानित किया है? इसका आंसर होगा सिमोना हालेप और नोकाव जोकोविच। देखिए ये दोनों खिलाड़ी रैंकिंग में पहले स्थान पर रहे और दोनों ने ग्रैंड स्लैम टाइटल भी जीते। नोवाक जोकोविच जो हैं वो सर्बियाई टेनिस खिलाड़ी हैं और सिमोना हालेप रोमानिया की टेनिस खिलाड़ी हैं। अगला और आखिरी क्वेश्चन है आज का, अमेरिका यानी यूएसए ने इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज संधि से अलग होने की पुष्टि की है, तो ये संधि उसने किस देश के साथ की हुई थी? इम्पॉर्टेंट संधि है ये, एग्रीमेंट था ये। इसका आंसर होगा रूस, ये इम्पॉर्टेंट संधि हुई थी अमेरिका और रूस के बीच। इसके द्वारा 500 से 5000 किलोमीटर की भूमि से लॉन्च की जाने वाली परमाणु मिसाइलों के निर्माण और परीक्षण पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस जो संधि था, करार था, उस पर दिसंबर 1987 में अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और उनके सोवियत संघ के समकक्ष जो थे मिखाइल गोरबाचेव, उन्होंने सिग्नेचर किए थे। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए ताकि दूसरों को भी करेंट अफेयर्स के बारे में सूचना मिल सके। और हाँ, अगर आपने अब तक YouTube चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और उसके बगल में बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाएँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब फिर मिलेंगे कल सुबह 5 बजे।